नॉडियर्स वेलकम इन पलामू साइंस सेंटर। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स का आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। लेकिन उसके पहले जो 3.1 में हम लोग पढ़े हुए हैं उसके बारे में मैं कुछ बता दूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स लीजिए मैथमेटिकल अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एम बाई एन। मैट्रिक्स एक वैसी गणितीय व्यवस्था है जो एम बाई एन के रूप में रहता है। एम बाई एन के रूप में रहता है, यहाँ एम को हम लोग रो कहते हैं और एन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। एम को हम लोग नंबर ऑफ रो कहते हैं। बस हम एक मिनट में पीछे का रिविजन करा दे रहे हैं। एक बार एम का जो नंबर ऑफ रो होता है, एम इज योर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मतलब पहले रो बाद में कॉलम। रामचंद्र, रामचंद्र। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दे दे आपको, मान लिया जाए आई वेलकम 4 5 6 4 5 6 0 1 5 -1 √2 and 3 1 1 2 अगर एक मैट्रिक्स हो और आपसे कोई पूछे इसमें कितने रो हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहते हैं। ये इसको रो कहते हैं, इसमें रो हो गया 3। जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम कर दें, 1 2 3 4 कॉलम आपका हो गया 4। कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, डियर ऑर्डर होता है रामचंद्र, रो पहले कॉलम बाद में, याद रखना। दिस इज योर 3/4। एलिमेंट कितने हैं, तो 3 4 = 12 पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में बताया कि किसी भी एलिमेंट के को यदि आइडेंटिफाई करना है, किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है कि वह कहाँ है। जैसे कोई पूछे आपसे कि ये बच्चा कहाँ है, तो ये बच्चे को का पोजीशन कोई ओरिजिन लेना होगा, उसके अनुसार बताना होगा कि ये बच्चा कहाँ है। अगर हमसे पूछा जाए तो हमसे बच्चा ये पश्चिम में है, उनसे पूछा जाए तो उत्तर में है, आपसे पूछा जाए तो पूरब में है, चिड़िया से पूछा जाए तो नीचे है, तो नीचे आदमी चल रहा है उससे पूछा जाए, क्योंकि हम लोग छत पे हैं तो ये ऊपर है, नहीं है। तो किसी भी पॉइंट के सापेक्ष में किसी भी की स्थिति बताते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि तू गोरे हो कि काले हो, क्या बताओगे, किसके अपेक्षा। ये मत, बहुत लड़का ना एकदम टाइट रहता है कि हम तो गोरे हैं, लेकिन किसी की अपेक्षा आप गोरे हो। एक अंग्रेज के लड़के लड़की खिला के खड़ा कर दिया तो हवा घूम जाएगा, उसके अनुसार तो आप काले हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि आप अमीर हो कि गरीब हो, किसकी अपेक्षा। हो सकता है भिखमंगे की अपेक्षा आप अमीर हो, लेकिन मुकेश अंबानी खड़ा कर जाए तो धोती खुल जाएगी, उसके अनुसार तो गरीब हो जाएंगे हम लोग। तो वी आर नॉट रिच, वी आर नॉट पुअर, वी आर नॉट गुड, वी आर नॉट बैड। किसी की अपेक्षा हम लोग अच्छे हैं तो किसी की अपेक्षा बुरे भी। तो यहाँ पर भी हम लोग किसी भी ये एलिमेंट कहाँ है यदि कोई पूछे तो उसका नाम हम लोग ऐसे देते हैं, ये उसके नीचे में लगाते हैं आर सी रामचंद्र, कैमा रो और कैमा कॉल। आइए बाबू मैया सॉरी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, तो थक गई हो क्या होता है, लेट्स कोई दिक्कत नहीं सर। आर सी रामचंद्र, आप लोग थक क्यों जाते हैं पता है, क्योंकि शरीर से वर्क नहीं करते। शरीर से अगर वर्क करें, नहीं करते हैं हम लोग, अपने घर में बेटी बहन को देख रहे हैं, आटा को जो शांति ही नहीं है दसवां क्लास तक, जबकि आटा सानने से ही ताकत मिलती है, ऐसे देखते हैं ना इसे, आटा अगल बगल का भी साना करो तुम लड़की लोग, गलत नहीं बोल रहे। आपको शरीर में ताकत तो चाहिए जी, हाँ तो उससे ताकत बढ़ेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, कुछ जी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अब बहुत टीचरों का क्या करता है, उठेगा और डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देगा, जब मशीनें सही नहीं है तो पानी कैसे फेंकेगा और खेत कैसे पटेगा। खेत मतलब आप लोग का दिमाग को पटाना है जी, हम ही सही नहीं, सर्दी हुआ है, छींक आ जा रहा है, झूक रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ टीचर ने हैंड प्रैक्टिस कर रहा है और लेकर हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब बोर्ड लिख रहा है, किस्मत नहीं लिख पा रहा है।
ना भैया चलते हैं हम लोग कॉपी किताब बाद में खोलेंगे, पहले हम लोग यहाँ देखें एक बार डिवीजन करा रहे हैं। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसके नीचे में नाम लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम। जैसे कोई पूछे कि ए 1 2 क्या है, मतलब इसका पूछ रहा है कि आरसी पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन है, ये पहला रो और दूसरा कॉलम क्या है। आज जैसे हम 3.2 शुरुआत करने के पहले एक बार फिर से कार्यक्रम में चल रहे हैं। अब जैसे कोई पूछे, मान लीजिए आपसे कोई पूछे ए 3 3 क्या है, मतलब आपसे पूछना चाह रहा है ये कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम का कौन एलिमेंट है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहले रो देखेंगे, ध्यान रखना, तीसरा रो देख लिए, तीसरा कॉलम 1 2 3 है। इस तरह का चीज मैं बता चुका था। इसके बाद मैं बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहले बताया था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आरएम लिखते हैं शॉर्ट में, जो कि हम डिवीजन करा रहे हैं। रो मैट्रिक्स में रो एक होता है, कॉलम चाहे कितना भी, रो एक ही होता है, सिर्फ कॉलम ज्यादा होगा। रो इसमें छोटा होता है किसी जी तो, रो छोटा होता है किसी जी तो, रो एक, देखो ना, देखो देखो, देखने की चीज है जी। 1 5 7 2 कितने रो है, कॉलम हो गए 1 2 3 4, कॉलम ज्यादा हो गया, रो छोटा हो गया। तो आर छोटा होता है सी से, या तो सी बड़ा होता है किसी जी तो आर से। तो अगर आपसे कोई पूछे, थोड़ा सा इसके यूके भी है, जनरल डिफिनेशन आपके बुक में तो यही है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, लेकिन उतना से कंपटीशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन मतलब अंदर की बात जानते हैं कि जानते हैं। अगर कहेगा कि ये m बाय m का एक रो मैट्रिक्स है तो क्या होगा, तो लिखिएगा कि रो छोटा है कॉलम से, यानी m छोटा होगा किसी जी तो m से, या n बड़ा होगा m से। ये यहां रहेगा वहां टिक मार देंगे बस। मैंने इसके बाद बताया था cm, चला मैं यानी चला के मरद भी होता है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब इसमें एक कॉलम हो, तो कॉलम जब एक हो जाएगा, देखिए यहां को देख लीजिए 1 2 3, कॉलम कितना है इसमें, रो कितना है, तीन, तो कॉलम छोटा होगा इसमें, सी छोटा होता है किसी भी तो आर, इसी लिखा हुआ है, या आर बड़ा होता है किसी तो सी से, यानी अगर इसमें एम बाई एम का कोई मैट्रिक्स हो, और कोई कोई कहे क्या होगा, हाँ तो होगा एन इज लेस देन, एन इज लेस देन एम, सामने है समान फिर भी देख रहे हो आसमान, ऐसा नहीं होगा, या एम इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। तीसरा प्रकार है डी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होता है, इसमें एम बराबर एम होता है। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव भी है आपका एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर कौन 8, तो ये 8 मिला था, ये नहीं मिला मतलब कंपटीशन में मिलता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में बताया हमने आपको चौथा डीएम, क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं डीएम 3.1 का, इसलिए शॉर्टकट में मार रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में बताया हमने कि वैसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, तो जीरो, जैसे यहाँ मान लीजिए 4 हो, 0 हो, 0 हो और 8 हो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग डी आई ए जी 4 और 8। इसका बताया हमने स्केलर मैट्रिक्स SM, स्केलर मैट्रिक्स में चीज वही होता है दोनों इक्वल होता है 4 0 0 और 4, दोनों इक्वल होता है। एक वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका बता दिए होंगे आपको यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सब तो 0 होता ही है, तो इसको हम लोग आई भी बोलते हैं, 2 बाई 2 का तो आई 2 भी बोलते हैं। अगर 3 बाई 3 का रह जाएगा ऐसे, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको I3 भी बोलते हैं। है ये I, लेकिन नाम अलग है, क्योंकि 3 बाई 3 का है ये, तो I3 बोलते हैं। ये आपका हुआ रिवीजन ऑफ 3.2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सब तो पढ़ाई हुआ है जी, अब निकालने में आधा घंटा लग जाएगा, तो बर्दाश्त नहीं होगा, जल्दी दीजिए फटाक से, जल्दी खोलो, पासवर्ड पासवर्ड डाल के रखते हो तुम मोबाइल में, क्या रहता है कि पासवर्ड डाल देते हो, ताला तो आदमी तब ना मन करता है जब उसमें कुछ अंदर में माल छिपा हुआ होता है, कुछ ना कुछ रहता है, जो भी रखे लगे लगे तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें है।
ले लिया, ले लिया। Now dear, let us start operation on matrices. चलते हैं लोग। Now dear, let us start operation on matrices. Operation मतलब क्या होता है हिंदी जानते हो क्या? ऑपरेशन से डॉक्टर को जानते हो क्या क्या ऑपरेशन हुआ है? हैं? ये है आप ऑपरेशन मतलब कुछ नहीं होता, ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन का मतलब क्रिया होता है। आप भी अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, आप सुने होंगे पुलिस लोग का ऑपरेशन शुरू होता है, जेबरा ऑपरेशन, तो क्लीन ऑपरेशन, तो कौन ऑपरेशन कश्मीर में चल रहा है अभी, तो आपका ये ऑपरेशन चल रहा है, कौन ऑपरेशन, एजुकेशन ऑपरेशन चल रहा है, गरीबी हटाओ ऑपरेशन चल रहा है, इससे गरीबी हटेगी, आप बुढ़बकाही हटाओ ऑपरेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है? बहुत लोग और भी तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं इस पढ़ाई के दरमियान, उनका पढ़ाई कोई ऑपरेशन नहीं है, पढ़ाई में ट्यूशन में सोचता है कि तनी बाल झाड़ के चले कुछ और ऑपरेशन हो जाएगा, तब तो क्रिया हो जाएगी, कोई बात नहीं सर। तो हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिसेज में यहाँ पर मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ना है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है। ओके, तो पहले हम बताते हैं, आपका ध्यान कितना है भाई? सोचिए मत, कुछ सोचो मत, मेरे पास हो तो मेरे ही बारे में सोचो जी, ठीक है? तो नाउ डियर लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, देखते हैं लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ओपी से ऑपरेशन समझ आओगे ना? यस सर। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस या ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, अब ध्यान से सुन लेंगे। पहला बताने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका कंडीशन है टू और मोर देन टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो या दो से अधिक मैट्रिक्सों को आपस में हम लोग जोड़ या घटा तब सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगी, तो सेम ऑर्डर मतलब समझ गए, मतलब सेम साइज का हो तो हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, बस मेरा है। तो इसके लिए बस कंडीशन इतनी याद रखना है, ब्रैकेट में बंद लिख देते हैं, उतना इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे कि दो आवयवों को आपस में जोड़ या घटा कर सकते हैं जब दोनों का क्रम समान, क्रम ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्रम, ठीक है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। जैसे देखिएगा एग्जांपल दे देते हैं, कोई कहे आपसे कि क्या ये दोनों जुड़ सकता है जी, घट सकता है, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स हिज एलिमेंट्स आर 4 5 2 9 1 1 and B is a matrix 1 2 1 4 उधर क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, व्हाई? बिकॉज़ देयर ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर का सेम नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 कॉलम है, इसमें दो ही कॉलम है जी, कुछ भी हो जैसे मान लो यहाँ 0 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहना चाहिए, नाकाम आदमी भी हो घर में लेकिन आदमी होना चाहिए, ठीक है? अब तो जोड़ सकते हैं हम लोग, फिर कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का एक तरीका है, जैसे मान लो सेम लंबाई के सुशांत एंड क्या रितेश, दोनों सेम लंबाई के बच्चे, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा, पैर में पैर सट जाएगा, नाक में नाक सट जाएगा, लार में लार सट जाएगा, पेट में पेट सट जाएगा, तो मेरे कहने का मतलब क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं, जैसे दोनों को जब ऐड करोगे तो पहला में पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा, मतलब आर वन को आर टू में जोड़ देंगे डायरेक्ट, इसको इसको चढ़ा देंगे, बोलो ना, 5 में 2 1 में 0 नहीं बात समझ आ रही, तो अगर जुड़ सकता है, क्वेश्चन कहेगा कि एक हम एक सवाल से इस चैप्टर का आधा सवाल क्लियर कर दे रहे हैं, एक तीर में हजारों निशाने हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन फाइन, एक एक सवाल को समझ जाओगे, जोड़ घटाओ का सारा सवाल समझ जाओगे, पहला ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, थर्ड 3a 4 2b
फाइव, थ्री ए फोर ए प्लस टू बी एंड सिक्स थ्री ए माइनस टू बी, इतना निकाल रहे हैं। केवल कैसे निकालते हैं गौर से देखेंगे आप। फर्स्ट हमारा है ए प्लस बी, ए को लिखेंगे पहले, ए हमारा है फोर फाइव वन टू नाइन वन प्लस बी, प्लस बी वन टू जीरो वन फोर टू जीरो। क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करते हैं, क्रॉस्पॉन्डिंग जैसे ना क्रॉस्पॉन्डिंग क्या हुआ ना, क्रॉस्पॉन्डिंग को हिंदी में संगत करते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उससे मतलब नहीं है, आप वही पढ़ने आए हैं जो आप नहीं जानते हैं, जो जानते हैं हिंदी तो वही पढ़ने आए, ऐसा तो नहीं। तो पहला में पहला को ऐड करोगे डियर तो फोर प्लस वन कितना हो जाएगा बोलो, फाइव टू वन जीरो टू वन नाइन फोर वन जीरो जान जान नो सर। एंड नाउ डियर इफ यू वांट टू फाइंड सेकंड ए माइनस बी, गौर से देखेंगे आप ए माइनस बी कैसे निकालेंगे हम लोग। ए को लिख किसे जोड़े हैं उसे घटाएंगे, फोर प्लस वन फाइव का है, फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, बात समझ में आ रही है भाई। देखेंगे आप ए हमारा है फोर फाइव वन टू नाइन वन माइनस बी वन टू जीरो वन फोर, घटा दो ना फोर माइनस वन फाइव माइनस टू वन माइनस जीरो टू माइनस वन नाइन माइनस फोर वन माइनस जीरो। नाउ दिस इज यस सर, आप इतना नोट करें आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। थ्री इंटू है मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय थ्री, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों को थ्री से क्या करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एलिमेंट माइनस से अक्सर बच्चों को डर लगता है पता नहीं क्यों। आगे देखते हैं हम लोग सर, थ्री ए माइनस टू बी डर लगता है माइनस से, लेकिन हर एक मिनट बच्चे अपने थ्री माइनस करते हैं, गलत लड़कों के संग में तो क्या माइनस कर रहे हैं अपना बुद्धि, बेवजह किसी पर खर्चा कर रहे हैं क्या लॉस कर रहे हैं पैसा, बेमतलब के घूम रहे हैं क्या लॉस कर रहे हैं अपना समय, सब चीज अपना माइनस करते हैं। भिड़ गए जूठो के मोबाइल जियो जो फ्री कर दिया है, भिड़ गए तो आधा घंटा भिड़ गए अंकित भिड़ जाता है, मतलब वो क्या क्या लॉस कर रहे हैं क्या माइनस कर रहे हैं अपना जीवन। थ्री ए माइनस टू बी, थ्री ए माइनस टू बी, थ्री ए थ्री ए ए हमारा है देख लो आप फोर फाइव वन टू नाइन माइनस टू बी, बी हमारे पास देख ही रहे हैं वन टू जीरो, कुछ भी नहीं करना देखिए जो करते हैं वही करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर दो थ्री फोर माइनस टू बी मल्टीप्लाई करो दोनों घटा लो जी, आप देखना घटा दो ट्वेल्व माइनस टू टेन अलेवन हाँ बोल रहा है बच्चा बोल रहा है मतलब सवाल बोल रहा है। आपको एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसी में एक और बता दिया आपको, जैसे जो 3a निकाला तो ये बता दिया मैं किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि दो मैट्रिक्सों में आपस में मल्टीप्लाई कब करते हैं, उसका क्या कंडीशन है। ठीक है, अपलोड करो इसको। नाउ डियर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स का सबसे समझने वाला यही टॉपिक है, गौर से आप इसको समझेंगे। हम लोगों ने देखा कि टू और मोर देन टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड इफ एंड ओनली देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर सेम हो तो दोनों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए जो कंडीशन है, क्या मल्टीप्लाई के लिए भी वो कंडीशन है? जैसे दोस्ती के लिए जो कंडीशन है, क्या शादी ब्याह करने के लिए भी वही कंडीशन है? नहीं, दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय सभ्यता में शादी सबसे नहीं हो सकती है, इसका अलग कंडीशन है। हम लोग अपनी बहन की शादी करते हैं तो उसका कंडीशन है, तो जो लड़का वाला घर है हमारे घर से सुपर होना चाहिए, मतलब तो मेरी बहन अच्छी कर जाए। लेकिन क्या जरूरी है कि हम लोग अपनी बहन की शादी जिस घर में करते हैं वो भी अपनी बहन की शादी आपके घर कर देवे? क्या समझ आना में मत, क्योंकि आपको सुपर देखे किए हैं ना जी, क्यों आप उससे, हम लोग उससे कमजोर हैं, कहीं कहीं हो जाता है लेकिन ये संभव नहीं है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि ए का रिलेशन बी से हो तो बी का भी रिलेशन ऐसे हो, ए इंटू बी निकले तो बी इंटू ए भी निकल जाए, ये संभव नहीं है। बहुत तमाम तरह के कंडीशन है, आइए हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ही बताते हैं। ओके, क्या कंडीशन है? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहे हैं आपको, और ये टॉपिक समझ में नहीं आने के बाद तीन चार चैप्टर समझ में नहीं आता है, इसलिए गौर फरमाएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेज हो, देन फोर पहला ए बी, ए इंटू बी मतलब ए का रिलेशन बी से हो रहा है, सेकेंड बी इंटू ए मतलब बी का रिलेशन ऐसे हो रहा है। आप मेरे घर आए हैं उसका अलग कंडीशन है, और हम आपके घर जाएंगे उसका अलग कंडीशन होगा, नहीं होगा क्या? आप मेरे घर आए हैं, देखिए हम कितना प्रेम से आपके आदर में खड़े हैं और आपको बैठाए हैं। जब मैं आपके घर जाऊंगा तो मैं बैठूंगा, तुझे खड़ा रहना पड़ेगा। कभी कभी हम बैठ जाते हैं, हम आपके ऊपर वाला में डाल रहे हैं, आप मेरे नीचे वाला में डालेंगे, अंतर है? नाश्ता पानी तो देंगे, मैंने दिया कभी आपने दिया क्या? अंतर है, बहुत देर लार्ज डिफरेंस। तो यहाँ का कंडीशन है, देखिएगा ध्यान से, तो ए इंटू बी निकालना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है कि नहीं, ध्यान रखना। ये फर्स्ट हुआ मैट्रिक्स, ये क्या हुआ सेकंड, लेकिन बी इंटू ए निकाले तो बी फर्स्ट हो गया, अरे क्या हो गया सेकंड। तो कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी है या नहीं? ए मतलब फर्स्ट, ध्यान रखना फर्स्ट लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ए भी मिले, एम इंटू एन मिल सकता है, तो एम मेरा पहला हो जाएगा, एन दूसरा हो जाएगा, अब बी क्या है तो सेकंड। यहाँ पर यहाँ क्या होगा, यहाँ फर्स्ट कौन हो गया हम लोग का, बी, कॉलम ऑफ बी रो ऑफ ए, कंडीशन ए क्या है तो कंडीशन, ए क्या है तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे, ठीक अभी चेक करने का एग्जाम्पल दे रहे, गुना हो सकता है कि नहीं, इसके बाद मैं बताऊंगा गुना कैसे होगा। अभी जैसे आप मेरे पास पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, उसका क्या कंडीशन है कि आप जो आपका जो दर्द है मैथ में उसका समाधान मैं कर पाता हूं कि नहीं, आप जो हमसे पूछेंगे अगर मैं उसको समझा दूंगा तो आप मुझे मेरे पास पढ़ सकते हैं। आइए देखिएगा कहेगा आपसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें मतलब ऑर्डर सेम होना कोई जरूरी नहीं है, ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा,
लेकिन विदाउट ऑर्डर सेम के भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इस देखेंगे। मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी है 1439 2785। अब देखिए कोई कह क्या ए प्लस बी निकाल सकते हैं बताओ, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ऑर्डर सेम ऐड करने के लिए डियर एक ही चीज है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अभी मैंने बताया। यस सर। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चेक कर ले रहे हैं। तो ए इंटू बी चेक करोगे अगर कि ए इंटू बी निकाल सकता है कि नहीं, तो प्राइवेट में इधर मन की बात कर लेना, इनके भी तो मन में, ये मन में करना कि मेरा मन आपके घर पे रहता नहीं, इसलिए अपने मन को इसने मन कर दिया। ए इंटू बी तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। सीआर कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यदि है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल। ए में क्या कॉलम है देखो, तो 1 2 3 4 दोनों बराबर होना चाहिए। बी में क्या रो है? 1 2 3 4 Yes, we can multiply these matrices. A into B निकाल सकते हैं। Yes. अब B into A चेक करो। अगर B into A चेक करना है आपको, तब B का कॉलम आगे करो बराबर में। Yes, sir. मन में चेक करो। B का कितने कॉलम है? B का कॉलम? दो। अब ये करो। दो। B में कितने कॉलम है? दो। ए में कितने रो है? दो। यस, बी टू ए भी निकल सकता है, तो फिर कैसे निकलेगा? ठीक है, उसके लिए बताएंगे, पहले इतना नोट करें। ठीक है, दो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, इससे आपका मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगा। हम थ्योरी क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद इस साइड बढ़ाएंगे आपको। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, गौर से देखिएगा ध्यान से, ए बी सी डी ई आर, थ्योरी बता रहे हैं अभी हम मल्टीप्लिकेशन का आपको। एंड बी इज योर अनदर मैट्रिक्स ए वन बी वन सी वन डी वन ई वन एंड। क्वेश्चन क्या आएगा कि इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस then find a b or b a, first a b and second b। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। first a b, पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे कि a into b निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। yes. कैसे चेक करते हैं, शॉर्ट में याद रखना, this equal to this, खड़ा इक्वल टू पड़ा, मतलब कॉलम कर दू रो। ओके, तो ए में कितने कॉलम है? प्राइवेट में चेक कर रहा है, इसे करना नहीं एग्जाम में आपको। ए में कॉलम कितना है? दो। बी में रो कितना है? टू है, यानी एकदम धड़ाले से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही याद रखना, मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखना कि दिस इक्वल टू दिस। अब आराम से लिखिए, अब शुरू होता है मेन चीज, मेन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कि आखिर मल्टीप्लाई होगा कैसे। ए वन बी वन सी वन डी वन ई वन, तो मल्टीप्लाई में कैसे होगा ये पहले संकेत में बताते हैं। जैसे कोई ऐसे ऐसे बोले आपको, संकेत समझ रहे हो? प्लीज कम हियर बोल रहे हैं, ऐसे बोले तो जल्दी जल्दी आओ, ये भी समझ रहे हो? यहाँ संकेत समझ बता,
क्या बोल रहे हैं सबसे पहले रो इनटू हाँ रो इनटू कॉलम रो का मल्टीप्लाई रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन रो वर्टिकल लाइन कॉलम बढ़िया समझना डियर ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा ये थ्योरी तो आगे चार चैप्टर समझ में आएगा रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम से होता है सुतलका जाता है उठलका का पास दोनों मिलकर सूख जाता है दो देख रहे हैं आप अब से देखिएगा घुसला ये नहीं समझिए फिर बस एंटरटेनमेंट करवा दिए ताकि बच्चे मुस्कुरा कर ज्यादा समझते हैं तो आप किसी के बच्चे हैं प्यारे बच्चे वो चाहता है कि मेरा बेटा मुस्कुराए और इंजेक्शन लेने समय भी अगर हंस रहे हैं आप मैथ इंजेक्शन जिसको समझ में नहीं आता उसको दर्द से कम नहीं है ये दर्द बोल रहे हैं आइए देखिएगा ध्यान से रो का गुना किससे होगा कॉलम से ये रो है इसका गुना होगा इससे जब ई जाएगा इनके घर ना तो एक को से नहीं मिलेगा तीनों से मिलेगा जैसे आप मामा घर जाएगा तो खाली मामी से मिलकर जाएगा जब जाए मामी से मिल के आ गए जब जाए मामी से मिल के आ गए मामा बोले क्या बात है यार हमसे मिलता ही नहीं है गलत हो रहा है बोलिए जाएंगे तो सबसे मिलेंगे ये जाएगा तो इससे भी मिलेगा ये जाएगा तो इससे भी मिलेगा ये जाएगा तो इससे भी मिलेगा तो कैसे मिलेगा ध्यान दीजिएगा उसके लिए बता रहा था ये संकेत में समझते रहना ये तो मिलेगा पी इंटू पी प्लस डी इंटू डी प्लस टी इंटू टी पहला पहला में सटेगा दूसरा दूसरा में सटेगा तीसरा तीसरा में सटेगा तब जाकर मामला पटेगा पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा अगर चौथा रहे तो चौथा इंटू चौथा पांचवा रहे तो पांचवा इंटू पांचवा अपने रहे देखना इसको क्या है दूसरा है पहला पहला में सटेगा ए वन प्लस डी डी वन जब ये जाएगा इसके पास ये बोलेगा कि हम यही खड़ा रहे हैं उदास आओ ना मेरे पास बोला करो विश्वास मैं आता हूँ तेरे भी पास तेरा भी पूरा उदास ये जाएगा इसके पास तो इसमें भी पहला पहला में सटेगा दूसरा दूसरा में सटेगा बोला मेरे पास भी आओगे का आता इसके पास भी जाएगा एसी वन प्लस बी एल जब ये चला गया हमको भी जाना है बोला जाओ इसी से हम किए भी करना ये जब जाएगा ध्यान देना ये जाएगा तो इसके पास जाएगा ये जाएगा इसके पास जाएगा पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा बी ए वन प्लस ई डी वन एनी प्रॉब्लम बी बी वन प्लस ई वन बी सी वन प्लस ई एफ वन जब ये दोनों चला जाएगा बोला मेरा नंबर कब आएगा रे मल्लू आ गया तो कैसे करें जैसे हम लोग किए हैं वैसे तुम भी जाके करो यानी कि ये जाएगा इसके पास जी सी ए वन एफ डी वन पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा सब शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पर यह बी एस एफ है बाबा की शॉर्ट फाटल नहीं बाबा का शॉर्ट फॉर्मूला अब देखिए यहाँ CB1 प्लस FE1 फिर CC1 प्लस F1 ये रहा आपका थ्योरी एक हम एक सवाल देते हैं जो आपको बना चुके हैं देखिएगा यहाँ पर हम दे रहे हैं A इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 142348 B इक्वल टू है मान लो 420125 अब देखो जैसे आप गुना करोगे तो एक गुना चार चार और तीन गुना एक तीन चार तीन सात जुड़ जाएगा इसी जो थ्योरी सवाल हम जैसे बनाने का प्रयास करेंगे सर इसके बाद मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे एक्स का 3.2 का थ्योरी इसके बाद मैं शुरू करूंगा 3.2 का सवाल इसके बाद करेंगे अपना वाला इस बात